नमस्कार एनपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेल सुरक्षा की समीक्षा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सिंघस को वर्ष 2016 का डिजिटल अवार्ड किया प्रदान। महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के मध्य प्रदेश विस्तार के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत शासन के आदेश में निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले 56 विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला पंचायत नगरीय निकाय के प्रशासकीय नियंत्रण के लिए जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। इसमें निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के पात्र शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को वित्त विभाग की सहमति पर संविदा पदों पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम बेहतर उपयोग हो। मुख्यमंत्री मंत्रालय में जेल विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, सुरक्षा के मापदंडों का कड़ाई से पालन और प्रभावी मॉनिटरिंग सतर्क चौकसी की दक्ष कार्यप्रणाली विकसित की जाए, जेलों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाए। उन्होंने घनी आबादी में स्थित जेलों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और प्रदेश में हाई सिक्योरिटी हाईटेक जेल की जरूरत पर भी चर्चा की। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने प्रशासन अकादमी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को संपूर्ण प्रदेश में लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। भारत सरकार के द्वारा कम लिंग अनुपात वाले जिलों में आरंभ की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रदेश के 6 जिलों क्रमशः ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ और रीवा में क्रियान्वित है। महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उनके समन्वित विकास के लिए योजना की उपयुक्तता को देखते हुए राज्य शासन ने यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने का निर्णय किया है। योजना का क्रियान्वयन महिला बाल विकास विभाग के साथ स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से किया जाएगा। हमारा समृद्ध समाज है, जो हमारे पढ़े लिखा वर्ग है, जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं अर्बन एरियाज में ये आपका जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है इसका इसका उल्लंघन शहरों में अधिक होता है और गांव में नहीं होता है। अर्थात बेटी बचाओ विषय का पढ़ाई लिखाई से और समृद्धि से जो है इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल दवे 20 दिसंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर शाम 5 बजे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ करेंगे। वन मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार की अध्यक्षता में होने वाले मेले में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी विशेष अतिथि होंगे। मेले में श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया और देश के बिहार, असम, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से संग्रहित की गई दुर्लभ जड़ी बूटियों के लगभग 300 स्टॉल लगेंगे। इस साल मेला मानव कल्याण के लिए लघु वनोपज केंद्रित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें mstv.in। नमस्कार। कृतांत दूत काल भूत भीति हरि वर्म त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। नमामि देवि नर्मदे। नमामि देवि नर्मदे।